अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बरवक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने पक्के हिस्से की तरफ। कर्नल रोडस रौनक भरे लहजे में कह रहा था कि इनकी मौत डार्क स्काई एजेंसी के मौजूदा चीफ कर्नल रोडस के हाथों हो रही है। कर्नल रोडस, और क्या मतलब? क्या डीएस एजेंसी में नकारा आदमी को कर्नल का लकब दिया जाता है? मैंने कहा तो कर्नल रोडस का चेहरा गुस्से से यकतलफ तप उठा, जबकि कर्नल मॉर्गन बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मेरी जगह अब कर्नल रोडस डार्क स्काई एजेंसी के चीफ हैं, ये नकारा कैसे हो गए? कर्नल मॉर्गन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अच्छा, तो ये इदारी चीफ हैं। पहले इन्हें इस एजेंसी ने नकारा करार देकर निकाल दिया था, इसलिए मैं समझा कि एकेडमिया में नकारा आदमी को ही डीएस एजेंसी का चीफ बनाया जाता है। बहरहाल ये ओहदा मुबारक हो कर्नल मॉर्गन, अलबत्ता मुझे इंतहाई अफसोस है कि तुम अंधे हो गए हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कर्नल रोडस की वजह से खामोश हूँ, वरना तुम्हें दूसरा सांस लेने की भी इजाज़त नहीं देता। कर्नल मॉर्गन गुस्से की शिद्दत से बेख्तियार फट पड़ा। अरे अरे, इसमें गुस्से की क्या बात है? गुस्सा करने वाला इंसान पागल हो जाता है। क्या तुम भी पागल हो गए हो? मैं भला इतनी आसानी से कहाँ बाद आने वाला था, इसलिए मेरी जबान रवानी से बोल रही थी। इसकी बातों का बुरा मत मनाओ कर्नल मॉर्गन, इसकी इसी तरह की बातें करने की आदत है। मेरी इससे दो बार मुलाकात हो चुकी है। बहरहाल अब असल मामलात पर बात हो जानी चाहिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, कर्नल रोडस ने इंतहाई स्पॉट लहजे में कहा। यस सर, एंटोनियो टेरिसा ने एक साथ जवाब दिया। सुनो मिस्टर, अब जबकि तुम खुद ही अपनी असलियत तस्लीम कर चुके हो, तो अब ये बात पूछना तो बेमायनी है कि सब तुम्हारे साथ ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लोग हैं या नहीं, टेरिसा ने कहा। तुम्हारी पहली बात दुरुस्त है, अलबत्ता दूसरी गलत है। इनका कोई ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से नहीं है, ये सिर्फ मेरे साथ ही है और बस, मैंने कहा। ओके, बहरहाल इन सब ने हलाक हो ही जाना है, इसलिए इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेरिसा ने मुंह बनाते हुए कहा। हलाक होना है क्या मतलब? मैं तो पहले ही हैरान हो रहा हूँ कि कर्नल रोडस जैसे बाअसूल आदमी ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि इंसानों को इस तरह जानवरों की तरह रस्सियों में जकड़ कर रखा जाए। लेकिन तुम हलाकत की बात कर रहे हो, मैंने गुस्सैले लहजे में कहा। सुनो लीडर, तुम सब एक्रीमिया के कौमी मुजरिम हो। तुम अपने साथियों समेत एक्रीमिया की सरकारी एजेंसी डार्क स्काई एजेंसी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने आए थे, इसलिए मैं ऐसे मुजरिमों को कोई ढील नहीं दे सकता, कर्नल रोडस ने कहा। क्या आपको यकीन है कि हम मुजरिम हैं? मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। क्यों, क्या तुमने डार्क स्काई एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? कर्नल रोडस ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, हम पाकिस्तान का बीआर फार्मूला लेने के लिए आए हैं, जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर माइक्रोफिल्म में कॉपी बनाकर लाया गया है, मैंने संजीदा होते हुए कहा। फार्मूला हमने चोरी नहीं किया है, इसे हमने बाकायदा सौदा करके खरीदा है, और ये काम तुम्हारे मुल्क के साइंसदान ने अपनी मर्जी से किया था, कर्नल मॉर्गन ने मुंह बनाकर कहा। इसने जुर्म किया था और जुर्म करने पर इसे तुमने मजबूर किया था। जुर्म करने वाले के साथ साथ जुर्म कराने वाला भी मुजरिम होता है, मैंने कहा। हम मुजरिम नहीं हैं, मुजरिम तुम हो जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ आए और तुमने डार्क स्काई एजेंसी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। मैं चूंकि इस मामले में बराह रास्त मुलविस नहीं था, इसलिए मैं इस बात का फैसला कर्नल मॉर्गन, टेरिसा और एंटोनियो पर छोड़ता हूँ। ये चाहें तो तुम्हें जिंदा छोड़ दें, चाहें तो हलाक कर दें, कर्नल रोडस ने कहा। इन्होंने हमारी कई एजेंटों को हलाक किया है, इसलिए किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आज इन्हें छोड़ दिया गया तो तब ये फिर डार्क स्काई एजेंसी के खिलाफ काम करने के लिए बाद नहीं आएंगे, इसलिए इनकी हलाकत एक्रीमिया के मुफाद में है, टेरिसा ने बाकायदा दलील देते हुए कहा। ठीक है, तुमने चूंकि इन्हें पकड़ा है इसलिए तुम्हारे मुजरिम है, इसलिए आखिरी फैसला तुम ही करोगे, कर्नल रोडस ने कहा और उठकर मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अगर तुम लोग ये समझते हो कि हमें पकड़कर हलाक करके तुमने पाकिस्तान से चोरी किया हुआ फार्मूला बचा लिया है तो ये गलत है, मैंने टेरिसा से मुखातिब होकर कहा। तो कर्नल मॉर्गन, टेरिसा और एंटोनियो बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? टेरिसा ने कहा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरे साथी यहाँ फार्मूला हासिल करने के लिए नहीं आए थे, मैंने कहा, तो वो एक बार फिर चौंक पड़े। फार्मूला हासिल करने नहीं आए थे? क्या मतलब, तो फिर क्यों आए थे? कर्नल मॉर्गन ने पूछा। फार्मूला हासिल करने का काम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का है और वो अपना काम कर रही है, हमें तो डमी ग्रुप बनाकर यहाँ भेजा गया था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। डमी ग्रुप, टेरिसा ने चौंक कर कहा। हाँ डमी ग्रुप, ताकि हम तुम सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल रखें और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अपना काम जारी रख सके। अब तक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस शायद करोंटो पहुँच चुकी हो और इसने हेडक्वार्टर में दाखिल होने का मंसूबा भी बना लिया हो। मैं तुम्हें सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम किसी गलत फहमी में ना रहो कि तुमने पाकिस्तान से बीआर फार्मूला जो चोरी किया है इसे तुम अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर लोगे। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हर सूरत में फार्मूला वापस हासिल करके रहेगी, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। हो ना हो, फार्मूला हमने चोरी नहीं किया था, तुम्हारे मुल्क के साइंसदान से इसे हमने बाकायदा सौदा करके लिया है,
इसने अपनी मर्जी से फार्मूले की कॉपी हमें दी थी, जिसके बदले हमने इसे खतीर रकम भी दी थी, कर्नल मॉर्गन ने कहा। रकम देने का इसे सिर्फ झांसा दिया गया था, फार्मूला लेकर इसे हलाक कर दिया गया था, और इस साइंसदान से फार्मूला चोरी करने का जुर्म तुमने कराया था कर्नल मॉर्गन। जुर्म करने वाला और कराने वाला एक जैसा ही होता है, मैंने कहा। यह हमें सिर्फ चक्कर देने की कोशिश कर रहा है चीफ, आप हुक्म दें मैं अभी इन सबको हलाक कर देती हूँ, टेरेसा ने गुस्सेले लहजे में कहा। कर दो, मैंने कब कहा है कि हमें हलाक ना करो, लेकिन हमारी मौत की खबर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को मिलेगी तो याद रखना वो तुम सबसे हमारी मौत का भयानक इंतकाम लेगी। हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, अगर हम तुम जैसे शातिर इंसान को पकड़ सकते हैं तो तुम्हारे और एजेंट भी हमारे सामने किस खेत की मूली हैं, एंथोनियो ने मुंह बनाकर कहा। बस बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, टेरेसा ने गुस्सीले लहजे में कहा और एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। साथ ही इसने जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में ले लिया। एक मिनट टेरेसा, कर्नल मॉर्गन ने कहा तो टेरेसा चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। क्या हुआ चीफ, टेरेसा ने कहा। इनकी बातों ने मुझे शक में मुबतला कर दिया है, मुझे भी ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग सिर्फ यहाँ तुम सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए आए थे। अगर इनका मिशन हेडक्वार्टर तक पहुँचने का होता तो ये अब तक टोरंटो पहुँच चुके होते। अगर वाकई इनका कोई दूसरा ग्रुप है तो इसके बारे में पता करना बेहद ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि हम इन्हें हलाक करके मुतमईन हो जाएं और इनका दूसरा ग्रुप अपना काम कर जाए, कर्नल मॉर्गन ने कहा। आपके कहने का मतलब है कि दूसरा ग्रुप हेडक्वार्टर में दाखिल हो जाएगा और फार्मूला ले उड़ेगा? मुझे फार्मूले की फिक्र नहीं है, फार्मूला ना मेरे पास है और ना हेडक्वार्टर में है, लेकिन ये लोग हेडक्वार्टर ज़रूर तबाह कर सकते हैं, कर्नल मॉर्गन ने कहा तो मैं चौंक पड़ा। क्या मतलब, फार्मूला तुम्हारे पास और हेडक्वार्टर में नहीं है तो फिर कहाँ है, मैंने चौंक कर कहा। ये तुम्हें नहीं बताया जा सकता, तुम बताओ कहाँ हैं तुम्हारे दूसरे ग्रुप और उनके साथी, इनमें कितने अफराद शामिल हैं, कर्नल मॉर्गन ने सर्द लहजे में पूछा। मैं अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता, चाहे तुम हमें हलाक कर दो हम तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। पाकिस्तान में हम जैसे लोगों की कमी नहीं है, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ एक के बाद एक ग्रुप यहाँ भेजता रहेगा और जब तक फार्मूला वापस हासिल नहीं कर लिया जाता ये सिलसिला चलता रहेगा, मैंने कहा। बस बहुत हो चुका, मैं इसकी बकवास सुनकर बोर हो रहा हूँ चीफ, आप इन्हें हलाक करने का ऑर्डर दें। इन्हें हलाक करने के बाद हम अपने तमाम ग्रुप्स को एक्टिवेट कर देंगे। अगर इनका यहाँ दूसरा कोई ग्रुप हुआ तो इसे भी ट्रेस कर लिया जाएगा, एंथोनियो ने कहा। अगरचे इससे पहले मेरा इनसे कभी टकराव नहीं हुआ था, लेकिन मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानता था। मुझे मालूम है कि ये झूठ नहीं बोलता, इसके बोलने का अंदाज इस बात का सबूत है कि वाकई इनका दूसरा ग्रुप भी यहाँ मौजूद है, और जब तक ये दूसरे ग्रुप के बारे में ना बताएं इस वक्त तक इन्हें हलाक नहीं किया जाएगा। इसका मुंह खुलवाओ, इसकी और इसके साथियों की खाले उधेड़ दो, मैं देखना चाहता हूँ इनमें कितनी कुव्वतें बर्दाश्त है और ये कब तक अपने दूसरे साथियों का पता नहीं बताते, कर्नल मॉर्गन ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम कुछ भी कर लो मैं नहीं बताऊंगा, मैंने कहा। टेरेसा, एंथोनियो, कर्नल मॉर्गन ने कहा। यस चीफ, इन दोनों ने एक साथ जवाब दिया। क्या यहाँ ऐसी मशीनें मौजूद नहीं हैं जिनसे शऊर और लाशऊर को चेक किया जा सके? मेरा मतलब है अपने टाइप करने वाली मशीनें, कर्नल ने कहा। नो चीफ, अभी हमने यहाँ ऐसी कोई मशीन नष्ट नहीं करवाई। तो तुम हमारे दिमाग मशीनों से चेक करना चाहते हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे लाशऊर से हम तुम्हारे दूसरे साथियों को पता चलाएंगे और फिर इनका अंजाम भी तुम्हारे जैसा ही होगा, कर्नल ने कहा। मशीनें मंगवाने से बेहतर है कि हमारे दिमाग चेक करने के लिए तुम किसी हिप्नोटाइजर को माहिर को बुला लो। टेरेसा, ये आदमी इस तरह से हमारा मजाक उड़ा रहा है जैसे ये नहीं बल्कि हम इसकी कैद में हो। ये ऐसे नहीं मानेगा, मेरी बात माने तो इसके साथियों को गोलियों से उड़ा दें और इसकी खाल उधेड़ दें, फिर ये खुद ही सब कुछ बता देगा, एंथोनियो ने इंतहाई गुस्से में लहजे में कहा। मैं जानती हूँ ये मुझसे इस अंदाज में क्यों बात कर रहा है, टेरेसा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, कर्नल मॉर्गन ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसका ख्याल है कि ये मुझे धोखा देकर बच जाएंगे और फिर से बाजी पलट देंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं इन्हें अभी और इसी वक्त हलाक कर दूंगी, इनके पास अब बच निकलने का कोई मौका नहीं है, ये अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, इसी हालत में ये लाशों में तब्दील हो जाएंगे, टेरेसा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह अच्छा, तुमने शायद हमारे जूतों के नीचे गोंद लगा रखी है कि हम उठकर खड़े हो जाएं तब भी अपनी जगह से हरकत न कर सकेंगे, मैंने एक बार फिर मुदक्खेज लहजे में कहा। ऐसा ही समझ लो, टेरेसा ने कहा। तुम क्या चाहती हो, मैंने इसकी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, टेरेसा ने कहा। कैसा मौका, मैंने पूछा। अगर वाकई तुम सच कह रहे हो और तुम्हारा दूसरा ग्रुप यहाँ मौजूद है तो हमें इसके बारे में बता दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आसान मौत मारा जाएगा, टेरेसा ने इंतहाई संजीदगी से कहा। हैरत है, तुम इतनी ज़हीन एजेंट हो, इसके बावजूद तुम्हें दूसरे ग्रुप का अब तक इल्म नहीं हो सका। हालांकि ये इंतहाई मामूली सी बात है, अगर तुम कर्नल मॉर्गन के सामने एतराफ़ कर लो तो मैं तुम्हें इनके बारे में बता सकता हूँ, मैंने कहा। कैसा एतराफ़, टेरेसा ने चौंक कर कहा। एंथोनियो और कर्नल मॉर्गन भी चौंक कर इसकी तरफ देख रहे थे। ये कि तुम वाकई शिकस्त खा चुकी हो, मैंने कहा।
ठीक है, मैं एतराफ़ करती हूँ कि हमें तुम्हारे दूसरे ग्रुप के बारे में कुछ इल्म नहीं है। आज से पहले मैं वाकई ये समझती थी कि दहानत में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन आज पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि अगर मैं शेर हूँ तो तुम वाकई सवा शेर हो। टेरेसा ने वादे तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया था। वेल डन, तुम वाकई खुले दिल की मालिक हो, मैंने कहा। अब बताओ कहाँ है दूसरा ग्रुप तुम्हारा, टेरेसा ने लापरवाही से कहा। वो सब इस वक्त टोरंटो में मौजूद है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो टेरेसा देख प्यार उछल पड़े। कहाँ है वो, पता बताओ इनका, टेरेसा ने पूछा। ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है, अलबत्ता तुम इन्हें टोरंटो में ढूंढ सकती हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो टेरेसा का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। ठीक है, अब जब तक हम तुम्हारे दूसरे साथियों का तलाश नहीं कर लेते तुम्हें हालात नहीं करेंगे, तुम इसी हालत में यहाँ रहोगे। ठीक है, तुम दोनों जाकर इन दूसरे साथियों को तलाश करो, जब वो मिल जाएं तो इन सबको एक साथ हलाक किया जाएगा, कर्नल मॉर्गन ने कहा। उठ खड़ा हुआ, फिर वो टेरेसा एंटोनियो के साथ तेजी से चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया, और उसके साथ ही दोनों मुसल्ला अफराद भी तेजी से मुड़े, और फिर वो भी टेरेसा और कर्नल मॉर्गन के पीछे कमरे से बाहर निकलते चले गए। बाहर निकलते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उनके बाहर जाते ही मैंने अपने साथियों की तरफ देखा और आई कोर्ट में इन्हें हिदायत देने लगा। ये तुमने क्या किया है, आई कोर्ट समझ कर जूलिया ने कहा। मैंने क्या मतलब, मैं भी तुम्हारी तरह रस्सियों में बंधा हुआ हूँ, ऐसी हालत में भला कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने मखसूस लहजे में कहा। हो ना हो, तुमने ही ने दूसरे ग्रुप के बारे में क्यों बता दिया है, जूलिया ने गुस्से लहजे में कहा। फिलहाल इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद ना था, अगर मैं ऐसा ना करता तो वह हमें हलाक कर देते, और मैं अभी जीना चाहता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन तुम अब चीफ को क्या जवाब दोगे, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। क्या जवाब देना है, अपनी नाकामी तस्लीम कर लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके दिए हुए छोटे से चेक से ही मुझे महरूम होना पड़ेगा ना। वो क्या कहते हैं, जहाँ सत्यानाश वहाँ सवाब, बल्कि डेट सत्यानाश, मैंने कहा। मिस मारिया ये गलत कह रहा है, मैं इसकी बात पर मर कर भी यकीन नहीं कर सकता, सबसे आखिर में मौजूद तनवीन ने कहा। तो वो सब चौंक पड़े। पहले मर कर तो दिखाओ, फिर बाकी बातें बाद में चेक कर लेंगे, मैंने फौरन इसकी बात काटते हुए कहा। एंथोनी, बात करने से पहले कुछ तो सोच लिया करो कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं और कहां पर मौजूद हैं। इन हालात में मरने और जीने की बातें अच्छी नहीं लगती, अचानक तनवीर के साथ मौजूद सफदर ने तल्ख लहजे में कहा। और इसकी बात सुनकर तनवीर के चेहरे पर यकलक शर्मिंदगी के तासरात फैल गए। शायद सफदर के इशारे पर वो समझ गया था कि यहाँ जो बात हो रही है वो दूसरी जगह सुनी जा रही है, इसलिए मैंने ख़ास तौर पर ऐसी बातें करने की हिदायत की थी, जबकि तनवीर ऐसी बातें करके सारे तासर को दायल कर देता। इस तरह जाहिर सी बात है, कर्नल मॉर्गन एंटोनियो टेरेसा भी इसकी तरफ से मशकूक हो जाते। हो ना हो, मैं कब जीने मरने की बातें कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात पर मर कर भी यकीन नहीं कर सकता कि हमारा लीडर इस तरह खौफजदा हो जाएगा कि सब कुछ दुश्मनों को बता देगा, लेकिन इसने ऐसा कर दिया है, तनवीर ने बड़ी खूबसूरती से बात को बनाते हुए कहा। अरे अरे, सब कुछ में तो बहुत कुछ आता है, तुम्हें कहना चाहिए था कि मारिया के अलावा सब कुछ, मैंने मुस्करा कर कहा। इस बार सबके साथ तनवीर भी देख कर हंस पड़ा। साहब, इस बार इन रस्सियों में इतने तवील वक्त तक जकड़े रहने की सजा हमें सारी ज़िंदगी याद रहेगी, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो, रस्सी और रंजीर चाहे फौलाद की बनी हो या निकाह के वक्त तीन बार हाँ कहने पर, रिश्ते की शक्ल में बहरहाल सारी उम्र का मसला बनती है और हमेशा याद रहती है, मैंने कहा। तो एक बार फिर सब हंस पड़े। मैंने रस्सियों से हाथ निकाला और फिर मैंने कोट के अंदरूनी जेब में हाथ डाला। दूसरे लम्हे मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे हाथ कोट की जेब से बाहर आया तो मेरे हाथ में एक छोटी सी गेंद थी। ये लोहे की गेंद थी जिस पर एक बटन लगा हुआ था। मैंने इस गेंद का बटन प्रेस किया और फिर मैंने हाथ अप की तरफ कर लिए। मेरे साथियों ने भी मेरे हाथ में फौलादी गेंद देख ली थी, लेकिन इस पर किसने कोई बात नहीं की थी। इस तरह की बातें करते हुए इन्हें काफ़ी वक्त गुजर गया तो दरवाज़ा खुला और टेरेसा एंटोनियो अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे दो मुसल्ला भी अंदर आदमी दाखिल हुए। सॉरी, रियली वेरी सॉरी, तुमने मेरे बहुत से साथियों को हलाक करके अपने और अपने साथियों की मौत को यकीनी बना लिया है। मेरी कर्नल मॉर्गन और कर्नल रोडस से दोबारा बात हुई है, इन्होंने फैसला किया है कि पहले तुम सबको हलाक कर दिया जाए और उसके बाद तुम्हारे दूसरे ग्रुप को तलाश किया जाए। इस तरह हम पर से कम अज़ कम तुम्हारा और तुम्हारे इन साथियों का दबाव तो कम हो जाएगा, टेरेसा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके साथ ही इसने तेजी से हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्तौल सीधा किया और इसका रुख मेरी जानिब कर दिया। इसके हक में मौजूद इसके दोनों साथियों ने भी मशीन गन सीधी कर ली। रुको, क्या तुम कर्नल मॉर्गन या कर्नल रोडस से मेरी बात करा सकते हो, मैंने यकलक संजीदगी से कहा। क्यों, टेरेसा ने पूछा। क्योंकि मुझे तुम जैसी दहीन एजेंट की मौत पर हकीकतन बेहद अफसोस होगा, मैंने इसी अंदाज में कहा तो टेरेसा हंस पड़ी। नहीं, असल में तुम मुझसे ज़्यादा ज़हीन हो और तुम्हारी मौत का बुनियादी सबब भी यही बन रहा है। जिस तरह से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इस तरह मैं भी अपने से ज़्यादा ज़हीन आदमी को नफ्सियाती तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि तुम बहरहाल जहानत में मुझसे बरतर हो, टेरेसा ने कहा।
लेकिन मैं कहना चाहता था, मगर इससे पहले कि मैं बात पूरी करता, टेरेसा ने यकलक मशीन पिस्टल के ट्रिगर पर दबाव डाल दिया। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाकर फायरिंग करती, मेरा हाथ आग से निकला और मेरे हाथ में मौजूद फौलादी गेंद निकलकर टेरेसा और एंटोनियो के करीब गिरी। इसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ, इसके साथ ही कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा। कर्नल रोडस अपने ऑफिस में मौजूद था कि सामने पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल रोडस चौंक पड़ा। इसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया। यस, कर्नल रोडस बोल रहा हूँ, कर्नल रोडस ने तेज लहजे में कहा। चीफ सेक्रेटरी जैकब की कॉल है जनाब, दूसरी तरफ से इसके पीए की आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात, कर्नल मॉर्गन ने जवाब दिया। कर्नल रोडस बोल रहा हूँ सर, क्लिक की हल्की सी आवाज़ सुनकर कर्नल रोडस ने बहुत बाना लहजे में कहा। कर्नल रोडस, पाकिस्तानी एजेंट और इसके साथियों का क्या हुआ? चीफ सेक्रेटरी सर जैकब ने कहा। वो सब हलाक कर दी गए हैं जनाब, इनकी लाशें भी पट्टी में डालकर राख बना दी गई हैं। वह क्रीमिया के दुश्मन थे, इसलिए इनका यही अंजाम होना था, कर्नल रोडस ने कहा। वेरी गुड, मैं भी यही सुनना चाहता था, क्रीमिया के मुजरमों को हर सूरत में मरना ही चाहिए था। वेरी गुड, कर्नल रोडस के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। इस फिल्म का क्या हुआ है, इसका कोड ओपन हुआ है या नहीं? चीफ सेक्रेटरी ने पूछा। इसके बारे में कर्नल मॉर्गन जानता है सर, और वो किसी खुफिया ठिकाने पर मुंतकिल हो गया है। इसका फ़ोन नंबर है मेरे पास, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप इससे बात कर लें, कर्नल रोडस ने कहा। दो नंबर, चीफ सेक्रेटरी ने कहा तो कर्नल रोडस ने इसे कर्नल मॉर्गन का नया नंबर दे दिया। नंबर लेते ही चीफ सेक्रेटरी ने रब्ता ख़त्म कर दिया तो कर्नल रोडस ने भी रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। अभी इसने रिसीवर रखा ही था कि इसी लम्हे फ़ोन की एक बार फिर घंटी बज उठी। कर्नल रोडस ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कर्नल रोडस बोल रहा हूँ, कर्नल रोडस ने सर्द लहजे में कहा था। आपसे मिस रीटा जूलियन बात करना चाहती हैं चीफ, दूसरी तरफ से मौतबाना आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल रोडस बेख्तियार चौंक पड़ा। रीटा जूलियन, डार्क्स काई की तेज तरार इंतहाई होशियार ज़हीन तरीन लेडी एजेंट थी। इसके साथ साथ वो इस कदर हसीन और नौजवान लड़की थी कि कर्नल रोडस उधेड़ उम्र होने के बावजूद इसके लिए पसंदीदगी के जज्बात रखता था, और रीटा जूलियन भी इससे इन जज्बात से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए इन दोनों के दरमियान सर्विस से हटकर भी खासे बेतकल्लुफाना ताल्लुकात थे, लेकिन ड्यूटी के दौरान इनका ताल्लुक ऑफिसर और माहतहत वाला ही होता था। बहरहाल, पसंदीदगी के जज्बात और ताल्लुकात की वजह से ही रीटा जूलियन ने ड्रग्स का एजेंसी में देखते ही देखते खासी तरक्की हासिल कर ली थी। रीटा जूलियन को रॉजर के बाद ड्रग्स का एजेंसी का नंबर टू समझा जाता था। क्योंकि रॉजर कर्नल मॉर्गन के साथ जा चुका था, इसलिए कर्नल रोडस ने चार्ज संभालते ही रीटा जूलियन के बारे में पूछा था। रीटा जूलियन कई माह से डार्क स्काई एजेंसी के एक मिशन के सिलसिले में जनूबी एक्रीमिया गई हुई थी और इसकी वापसी की इतला कर्नल रोडस को नहीं मिली थी, इसलिए वो अचानक इसका नाम सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा था। इसने फैसला कर रखा था कि रीटा जूलियन जब भी वापस आएगी वो इसे अपना नंबर टू बनाएगा। क्या मतलब, कहां से बात कर रही है वो? कर्नल रोडस ने एक ख्याल के तहत पूछा। इसके जहन में आया था कि शायद रीटा जूलियन ने जनूबी एक्रीमिया से कॉल किया है। नाराज से जनाब, दूसरी तरफ से जवाब मिला तो कर्नल रोडस के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। कराओ बात, कर्नल रोडस ने बेचैन मगर इंतहाई तहकमाना लहजे में कहा। हेलो चीफ, मैं रीटा जूलियन बोल रही हूँ, चंद लम्हों बाद रिसीवर में नसवानी आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम जनूबी एक्रीमिया से बात कर रही हो रीटा? कर्नल रोडस ने स्पॉट लहजे में पूछा था। नो चीफ, यहाँ से बात कर रही हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि कर्नल मॉर्गन की जगह आप एक बार फिर डार्क स्काई एजेंसी के चीफ बन गए हैं। कब आई हो वापस? कर्नल रोडस ने पूछा। मैं रात को वापस पहुँची थी चीफ। आप कहाँ से बात कर रही हो? मैं अपने फ्लैट से बात कर रही हूँ, रीटा जूलियन ने जवाब दिया। लेकिन तुमने वापसी की तो कोई इतला नहीं दी थी, और ना ही तुम्हारे मिशन के सिलसिले में मुझे कोई रिपोर्ट मिली है, कर्नल रोडस ने कहा। मैंने रिपोर्ट तैयार कर ली है चीफ, मैं कल ऑफिस रिपोर्ट भेज दूँगी। अलबत्त मिशन की कामयाबी और अपनी वापसी की इतला मैंने रात को ही ऑफिस में दे दी थी, रीटा ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर तुमने अब क्यों कॉल की है? कर्नल रोडस ने कहा। मैं टेरेसा के सिलसिले में आपसे बात करना चाहती हूँ चीफ, रीटा जूलियन ने कहा तो कर्नल रोडस चौंक पड़ा। क्या मतलब, टेरेसा के बारे में क्या बात करना चाहती हो? आप इजाज़त दें तो मैं आपके ऑफिस आ जाऊँ, यह बात तफसील तलब है, फ़ोन पर नहीं की जा सकती, रीटा जूलियन ने कहा। ठीक है, आ जाओ, कर्नल रोडस ने कहा और रिसीवर केडल पर रख दिया।